इस सवाल में हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है और हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग से एक कॉलम ऐड कर लिया है। सो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लिए 12 ही फ्रीक्वेंसी रहेगा, दूसरे वाले में 12 एंड 18 ऐड हो जाएगा। सो हो जाएगा 12 प्लस 18 इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट वाले में 30 एंड 23 ऐड हो जाएगा, सो 30 प्लस 23 इक्वल्स टू 53 हो जाएगा। नेक्स्ट में 53 प्लस 15 ऐड हो जाएगा, सो होगा 68 एंड लास्ट इज 68 प्लस 10 इज इक्वल टू 78। सो यही हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थैंक यू।